हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन तालीम अकेडमी। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करती हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ रहा होगा। सो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू यूनिट वन बी रीडिंग। सो ए रीडिंग हमने लास्ट क्लासेस में कंप्लीट किया है, जिसमें कि ग्लॉसरी, वोकैबुलरी एंड ग्रामर पार्ट। नाउ बी रीडिंग, इन दिस बी रीडिंग वी हैव द पोएम माय मदर। बी रीडिंग में हमारी टॉपिक है, यहाँ पे एक पोएम है जो है कि माय मदर, यानी कि मेरी माँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम इस पोएम को पढ़ेंगे इंग्लिश विथ उर्दू। इंग्लिश के जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जो भी न्यू वर्ड्स हैं, जिनके मीनिंग्स आपको अंडरस्टूड करने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको, उन सारे वर्ड्स को यहाँ पे उर्दू में आपको समझाते हुए इस पोएम को हम एक्सप्लेन करेंगे आज की इस क्लास में। सो होप कि आपको मेरी क्लासेस समझ आ रही हैं, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी वर्ड समझने में या फिर मेरे एक्सप्लेनेशन में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर पोएम। यहाँ पे हम ईच लाइन पढ़ेंगे और उस साथ साथ उसके मीनिंग्स भी उर्दू में हम ट्रांसलेट करते जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। सो स्टूडेंट्स, ये पोएम है एक माँ और बच्चे के ताल्लुक से। यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है, वो बिल्कुल छोटा है, एंड ही लॉस्ट हिज मदर। अपनी माँ को वो खो चुका है। तो जब ये अपनी माँ को नहीं जानता, इसे अपनी माँ याद नहीं है, तो अपनी माँ को किस तरह वो अपने अल्फाज में डिस्क्राइब कर रहा है, ये सारी पोएम उसी के ऊपर है। एक बच्चे के लिए उसकी माँ कितनी अहमियत रखती है, एक बच्चे के लिए माँ का होना कितना ज़रूरी है, और बच्चा किस तरह अपनी माँ को याद करता है, किस तरह मिस करता है, किस तरह उसे उससे लगाव होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस पोएम में बताई गई हैं। सो यहाँ पे हमारी फर्स्ट लाइन है, आई के नॉट रिमेम्बर माई मदर। सो यहाँ पे ये जो बच्चा है ये कह रहा है, आई के नॉट रिमेम्बर माई मदर, यानी कि मैं अपनी माँ, मुझे अपनी माँ बिल्कुल याद नहीं। ओनली समटाइम्स इन द मिड्स ऑफ माई प्ले, ओनली समटाइम इन द मिड्स ऑफ माई प्ले, कि कुछ टाइम जब खेल कूद के दरमियान में, ए ट्यून सीम्स टू होवर ओवर माई प्ले थिंग्स। तो ट्यून मीन्स, यहाँ पे ट्यून यानी कि म्यूज़िक, धुन, हल्की सी धुन, गुनगुनाहट। सीम्स टू ओ होवर, होवर यहाँ पर होवर के मीनिंग है रिमेन इन द एयर, यानी कि हवा में इर्द गिर्द घूमना। एक मीठी सी धुन हवा में इर्द गिर्द घूमती हुई ओवर माई प्ले थिंग्स, प्ले थिंग्स यानी कि खेलने कूदने वाली चीज़ों के दरमियान में ये आवाज़, ये म्यूज़िक, ये मीठी सी धुन उसे सुनाई देती है। द ट्यून ऑफ सम सॉन्ग दैट शी यूज्ड, शी यूज्ड मीन्स शी यहाँ पे जो है मदर को बोल रहे हैं, शी यूज्ड। ट्यून ऑफ सम सॉन्ग दैट शी यूज्ड यानी कि जो गुनगुनाहट ये अपने बच्चे के लिए इस्तेमाल करती थी माँ, वो कह रहा है। टू हम, हम, हम यहाँ पे एच यू एम, हम के माने हैं कि गुनगुनाना, मुँह जैसे अंदर अंदर अपने मुँह को बंद रख के गुनगुनाते हैं, उसको बोलेंगे हम, गुनगुनाना। हम के मतलब हैं गुनगुनाना वाइल रॉकिंग माई क्रैडल। टू हम वाइल रॉकिंग माई क्रैडल मीन्स जब झूला देते वक्त, झूला झूलाते वक्त गुनगुनाती थी मेरी माँ वो सारी आवाज़ें,
मुझे अपने खेल कूद के दौरान सुनाई देती हैं। नाउ नेक्स्ट पैरा, आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर। ईच एंड एवरी टाइम ही यूज टू स्टार्ट द लाइन आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर, मीन्स ही नेवर रिमेम्बर हिज मदर, यानी कि उसे अपनी माँ बिल्कुल याद नहीं है। ये एक लाइन वो हर बार दोहरा रहा है। बट वेन इन द अर्ली ऑटमन मॉर्निंग, बट इन द अर्ली ऑटमन मॉर्निंग, ऑटमन्स यहाँ पे बोलेंगे खिजा को, जैसे कि पतझड़ का सावन जो होता है, पतझड़ का मौसम जो होता है उसे बोलेंगे ऑटमन, यानी कि इस मौसम में जब झाड़ से दरख्त से पत्ते झड़ जाते हैं, खिजा आ जाती है, यानी कि रूखा सूखा हो जाता है वो मौसम में, उस मौसम की सुबह में द स्मेल ऑफ द श्यूली फ्लावर्स फ्लॉट इन द एयर। श्यूली फ्लावर्स यहाँ पे एक फ्लावर है जो कि सफ़ेद रंग का होता है, जिसके मिडिल में लाल रंग के पीले रंग के कुछ होते हैं पत्तियाँ, उनको बोलेंगे श्यूली फ्लावर्स। मैं यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट दूंगी, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखेंगे कि फ्लावर किस तरह का होता है। तो ये श्यूली फ्लावर्स जो दिखते हैं, मैं आपको यहाँ पे पिक्चर उसकी डाल दूंगी स्क्रीन पर, देखिएगा। फ्लोट इन द एयर, फ्लोट्स यानी कि फ्लोट्स बोलेंगे जैसे हवा में जब झड़ के कोई ऐसे झूमता हुआ लेक तैरता हुआ जो ज़मीन पे गिर जाता है फूल, उस तरह का। तो उन फूलों की खुशबू जब वो झाड़ से गिरते हैं। द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल, सेंट मीन्स स्मेल परफ्यूम स्मेल, कोई भी खुशबू को बोलेंगे सेंट। मॉर्निंग सर्विस सुबह की खिदमत, सर्विस मीन्स खिदमत। इन द टेम्पल यानी कि मालूम है आपको मंदिर में जो जिस तरह मॉर्निंग आवर्स में लोग टेम्पल जाते हैं तो साथ में अपने फ्लावर्स लेके जाते हैं वहाँ पे टेम्पल में प्रे करने के लिए, मंदिर में जब वो अपनी प्रेयर के लिए जाते हैं तो साथ में कुछ फूल ले जाते हैं, तो यानी कि मंदिर में वो अपनी खिदमत देते हैं फूलों को ले जाके। लाइक कम्स टू मी एज द सेंट ऑफ माई मदर, तो वो खुशबू उसको अपनी माँ की खुशबू लगती है, वो उन फूलों से आने वाली महक खुशबू उसे अपनी माँ की महक और खुशबू लगती है। देन आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, अगेन द सेम लाइन रिपीटेड। ओनली वेन फ्रॉम माई बेडरूम विंडो आई सेंड माई आईज इन टू द ब्लू ऑफ द डिस्टेंस स्काई, जब मैं अपने कमरे की खिड़की से अपनी आँखों को उस नीले रंग के दूर आसमान पर देखता हूँ, आई फील दैट द स्टिलनेस ऑफ माई मदर्स गेज, स्टिलनेस मीन्स होती है खामोशी, स्टिलनेस यानी कि खामोशी, तो मैं अपनी माँ की खामोशी को माई मदर्स गेज, गेज का मतलब होता है निगाहें, आँखों को शौक़ से जो खुशी से जो देखने वाली आँखें होती हैं उसको बोलेंगे गेज, तो वो अपनी माँ की खामोश आँखों को खुशी से अपनी तरफ देखता हुआ महसूस करता है। ऑन माई फेस हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई, वो मेरी माँ की खामोश आँखें खुशी से देखने वाली आँखें मेरे चेहरे से होती हुई सारे आसमान पर फैल जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द पोएम माई मदर, आई होप यू आर ऑल अंडरस्टूड, आपको अच्छे से समझ आया होगा मेरा एक्सप्लेनेशन, तो आप समझ चुके होंगे ये पोएम, और इस पोएम को लिखने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर। एवरीबडी नोज़ वेरी वेल हु इज़ रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप सबको अच्छे से पता है, यहाँ पे उनके बारे में आपको दिया गया है डिटेल। इज़ अ पॉपुलरली नोन एज विश्व कवि एंड गुरुदेव, ही वॉज़ द फाउंडर ऑफ श्रीनिकेतन एज एक्सपेरिमेंटल स्कूल, ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर फॉर हिज गीतांजलि द सॉन्ग ऑफ ऑफरिंग्स, ईच ऑफ हिज पोएम रिफ्लेक्ट्स इंडियन विजन एंड लव टूवर्ड्स हिज मदरलैंड, ही इज़ कंसिडर्ड द वॉइस ऑफ इंडियन हेरिटेज एंड स्पिरिचुअलिज़म। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी बी रीडिंग पोएम माई मदर, एंड
द ऑथर इज़ रविंद्रनाथ टैगोर। और यहाँ पे आपको ग्लॉसरी दिया है, यहाँ पे थ्री वर्ड्स, थ्री न्यू वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स यू हैव हियर। हॉवर, फर्स्ट वर्ड इज़ हॉवर, मीन्स रिमेन इन द एयर, यानी कि हवा में जो मौजूद होती है, हवा में जो छूट गई है चीज़ें, हवा में जो छूट गई चीज़ें लाइक खुशबू, सेंट, तो उसको बोलेंगे हॉवर। देन श्यूली, श्यूली अगेन स्मॉल वाइट और ऑरेंज फ्लावर, ऑटमन, जो कि फ्लावर्स दैट ब्लूम इन ऑटमन, पतझड़ के मौसम में जो निकलते हैं फूल, जो सफ़ेद और ऑरेंज जर्द रंग के होते हैं, उनको बोलेंगे। एंड सेंट, सेंट, सेंट मीन्स परफ्यूम, गुड स्मेल, यानी कि खुशबू, अच्छी भीनी सी खुशबू। सो स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ आवर टूडेज क्लास, आई होप यू आर ऑल अंडरस्टूड वेल। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। आज की क्लास हमारी थी बी रीडिंग, तो ये हो गया हमारा यूनिट वन बी रीडिंग पार्ट कंप्लीटेड। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास हम सी रीडिंग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप मुझे कमेंट करें, आपको ये क्लास कैसी लगी, कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट क्लास में आपको किस चीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए और क्या देखना चाह रहे हैं आप। सो होप मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपनी अगली क्लास में। टिल देन, बाय बाय।